अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कॉमर्स लेक्चरर ऑनलाइन में आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के लिए वर्ड पॉन भी यूज़ होता है। इस चैप्टर में हम प्लेज के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी पार्टीज। फॉर दिस चैप्टर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज एंड पॉन। सो लेट्स बिगिन। इससे पहले कि हम शुरू करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, राइट हैंड पे दिए हुए रेड बटन सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखने के लिए। तो हम बात करेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्लेज की। तो प्लेज के लिए वर्ड पॉन भी यूज होता है। तो लेट्स सी व्हाट डज प्लेज मीन्स। सो एक्चुअली दिस इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। इसको हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम गुड्स को किसी पर्पज़ के लिए नहीं दे रहे, बल्कि अपने लोन के अगेंस्ट एज सिक्योरिटी रखवा रहे हैं। अगर आपने किसी से भी लोन लेना है, वो आपको बग़ैर सिक्योरिटी के लोन नहीं ग्रांट करेगा। तो हम अपनी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करवा सकते हैं, उसके पास एज सिक्योरिटी रखवा सकते हैं और अपना लोन या अपना डेट उसे ग्रांट करवा सकते हैं। दैट इज़ वाई द डेफिनेशन गिवन हियर इज़ द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इज कॉल्ड प्लेज। अब हम इसमें पार्टीज देखते हैं। जिस तरह बेलर ऑनर ऑफ द गुड्स है, इसी तरह इसमें जो पर्सन अपनी मूवेबल गुड्स को प्लेज करेगा, जो ऑनर ऑफ द गुड्स होगा वो पॉनर कहलाएगा या प्लेजर कहलाएगा। और जो पार्टी अपने पास उसकी गुड्स को बेल करेगी, अपने पास प्लेज करेगी और कर्जा उसको ग्रांट करेगी, वो पार्टी पॉनी कहलाएगी या प्लेजी कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में एक पार्टी जो ऑनर ऑफ द गुड्स है, उसके पास से गुड्स ट्रांसफ़र हो रही हैं दूसरी पार्टी के पास जो उसको लोन ग्रांट कर रहा है। एग्जाम्पल देखें, ए बोरोज रुपीज़ 1 million फ्रॉम बी कीपिंग हिज प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बिकॉज यू आर गेटिंग द लोन, द डेट अमाउंट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी विच यू हैड प्लेज विद द पार्टी एज सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं कौन से असेंशियल्स हैं जो प्लेज में होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपके कब्जे से प्लेजी के कब्जे में जाएगी तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अक्सर हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, इस एक कार, हम इस तरह की चीज़ें प्लेज करके बैंक से भी लोन हासिल करते हैं। तो पोजेशन जो है वो यकीनन प्लेजर के पास से प्लेजी के पास चली जानी चाहिए। क्या आप कह सकते हो कि जो लोन दे रहा है और जो लोन ले रहा है, उन दोनों में फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स होगा, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, एक्चुअल डिलीवरी शुड टेक प्लेस। द सेकेंड असेंशियल इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। गुड्स सिर्फ इसी मकसद के लिए जानी चाहिए कि डेट अगर पे नहीं होगा तो उस सिक्योरिटी को सेल आउट करके डेट की अमाउंट रिकवर की जाएगी। कोई और पर्पज़ इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ डेट का पर्पज़ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं और कंडीशंस क्या हैं, और कंपल्शंस क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के लिए। कंडीशन यही है कि गुड्स शुड बी डिलीवर्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कंडीशन टू रिटर्न। वो गुड्स वापस ज़रूर होंगी अपॉन पेमेंट ऑफ द डेट। आपने कर्जे के लिए वो सिक्योरिटी रखवाई है, जैसे ही कर्जा वापस कर देंगे तो गुड्स आपकी रिटर्न होनी चाहिए, इसी कंडीशन पे फिजिकल पोजेशन पॉनर के पास से पॉनी के पास हुआ है, या आप कह सकते हो प्लेजर के पास से प्लेजी के पास ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स इसीलिए हुआ है, इसी कंडीशन पे हुआ है। गुड्स मस्ट बी ऑफ मूवेबल नेचर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम प्लेज का टर्म यूज़ नहीं करते। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज की टर्म यूज़ होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हैं प्लॉट, हाउस, शॉप, as you all know, and movable property could be car, in merchandise inventory, it could be your safety papers, your ornaments, your prize bonds, your foreign currency which is kept with you. So movable property is something which could be physically transferred from the pledger to the pledgee. So ye the hamare paas essentials of contract of pledge,
अगर इनमें से एक असेंशियल भी मिसिंग होगा तो हम उसको प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। अगर ये बातें हैं, अगर ये असेंशियल्स प्रेजेंट हैं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, वरना नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द राइट्स ऑफ प्लेजर। अब प्लेजर के क्या क्या हकूक हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहला राइट है उसका राइट टू इन्फोर्स। इफ द पॉनी निगलेक्ट्स एनी ऑफ हिज ड्यूटीज, अगर जो प्लेजी है वो अपने किसी फराइज में कोताही बरतता है, वो अपने ड्यूटीज़ को रिस्पॉन्सिबली टेक ऑफ नहीं कर रहा, वो उनको फुलफिल नहीं कर रहा, तो प्लेजर का राइट है कि वो पूरी तरह अपनी उसकी ड्यूटीज़ को फुलफिल कराने के लिए अपनी अथॉरिटी यूज़ करे। तो उसका पूरा राइट है कि वो प्लेजी से उसकी नेग्लिजेंस के अगेंस्ट उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म कराने के लिए एफर्ट करें। द सेकेंड राइट इज़ इफ़ ही नोटिसेस एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको लगे कुछ भी उस तरह नहीं हो रहा जैसा कि कमिटमेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकता है। ही इज़ द ऑनर ऑफ द गुड्स, ही इज़ द बोरोअर ऑफ द मनी, सो ही हैव द राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एट एनी टाइम। थर्ड राइट इज राइट टू रिटर्न द गुड्स लेंड ग्रेशियसली, अगर उसने बगैर कर्ज लिए ही अपनी गुड्स किसी को दी हैं, कुछ टाइम के लिए दी हैं, ग्रेशियस कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन ग्रेशियस नहीं है, ऑनर ऑफ द गुड्स का खुद कोई फ़ायदा नहीं है, तो अगर टाइम पीरियड उस लेंडिंग का एक्सपायर ना भी हो और वो चाहे कि वो अपनी गुड्स वापस ले ले, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो उन गुड्स को वापस डिमांड कर सकता है। हिज गुड्स शुड बी रिटर्न टू हिम वेन एवर ही वॉन्ट्स टू एक्वायर देम, इवन इफ़ द टाइम पीरियड विच वॉज कमिटेड इज़ नॉट एक्सपायर्ड येट। द फोर्थ इज राइट टू गेट कंपनसेशन, अगर उसकी गुड्स प्लेज की के कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन में डैमेज हो जाती हैं, कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो वो सारे डैमेजेस को रिकवर कर सकता है उस रॉन्ग डूअर से, वो सारी अमाउंट्स उसको कंपनसेट की जाएंगी। दिस इज़ द राइट ऑफ द प्लेजर दैट इफ़ एनी डैमेजेस आर इनकर्ड दे शुड बी कंपनसेटेड टू हिम इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन। So these were a few rights of pleasure. Hopefully you are getting. If you are not understanding anything, comment में पूछ लें। Email का address given है, आप मुझे कोई भी questions कर सकते हैं। Commerce lecturer online में आपके सारे questions को answer किया जाएगा। Kindly subscribe the channel. Let's see the duties of pleasure now. Pleasure के rights तो हमने देख लिए, अब pleasure की खुद की duties क्या हैं। The first duty is to disclose the faults. जो गुड्स वो प्लेज कर रहा है, जिसके अगेंस्ट वो लोन ले रहा है, अगर उन गुड्स में कोई फॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है, तो ये प्लेजर की ड्यूटी है कि उस डिफेक्ट को डिस्क्लोज करे। ही कैन नॉट हाइड एनी फैक्ट असेंशियल टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन द प्लेजी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। इफ द गुड्स आर डिफेक्टेड देन ही मस्ट इन्फॉर्म द प्लेजी अबाउट इट। इफ सपोज यू आर प्लेजिंग योर कार एंड यू आर एक्वायरिंग अ लोन and the car's locks are not proper, you must inform the pledgee that there is some defect in the locking system of the car and the doors couldn't be locked properly, so it should be kept in proper care in order to avoid further losses. Now the second duty is to repay pawnee's expenses. Again the example goes on the living things mostly. If you are keeping a living thing, a horse or a cow, and the pawnee is spending some money on it, then all those expenses are to be paid by the pledger in case if the pawnee is spending money. If there are any extraordinary expenses, they should also be paid by the pledger. So, if there are any expenses which are incurred by the pledgee in the duration of the contract of pledge, all those expenses are to be paid by the pledger. This is his duty. Then comes the last duty, which is duty to indemnify the pawnee. Indemnify word means to make good the losses suffered. कोई भी उसके नुकसानात हुए हैं तो उनको financially compensate pledger करेगा, ये उसकी duty है कि उसके losses को indemnify करे, उसके losses को compensate करे. If there are any gracious contracts of pledge, then all those involvements, all those losses which are faced by the pledgee, they are to be compensated by the pledger himself. So this is his last and important duty, to compensate for the
losses if there are any, he must indemnify the losses of the pledgee if there are any. So these were the duties of pledger. If you have any queries, you can ask. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं पार्ट बी में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्लेजी. तो देखते रहिए कॉमर्स लेक्चरर ऑनलाइन. काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.